हेलो क्लास सर, हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर वन। और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। तो योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो आपको फिल करने हैं। चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई थिंक आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर वन इज द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ डैश। तो यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए आपके सेम पेज पर आप यहाँ पर माइंड मैप भी देख रहे हैं, यूनिवर्स। और यूनिवर्स में क्या होते हैं, बिलियंस ऑफ, यस दिस इज गैलेक्सीज। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे गैलेक्सीज। ओके, नंबर टू, द आइडिया रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स विद अ बिग एक्सप्लोजन इज नोन एज द डैश थ्योरी। जिस जो माना जाता है, जिस थ्योरी की वजह से हमारा जो ये कंप्लीट यूनिवर्स जो है वो फॉर्म हुआ, उस बिग एक्सप्लोजन का जो थ्योरी है उसको क्या बोलते हैं। यस, हम लोगों ने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे बिग बैंग थ्योरी, तो लिखा हुआ है तो बिग बैंग। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज पर नंबर थ्री, डैश इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसमें आपको पता है कि कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स। और सन के जो सबसे क्लोज प्लैनेट है वो कौन सा है, यस मर्क्यूरी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मर्क्यूरी। नंबर फोर, डैश एंड डैश आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स। आपने पढ़ा था कि सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो उनके टू टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, है ना। तो एक मूवमेंट होता है जो अपनी ही एक्सिस पर वो मूव करते हैं, यानी कि जहाँ पर वो हैं उसी एक्सिस पर वो घूमते हैं। और दूसरे टाइप का मोमेंट क्या होता है कि वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, और सन के चारों तरफ जिस फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो सन के चारों तरफ जो वो राउंड लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। एंड जो अपनी ही एक्सिस पर प्लैनेट्स घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। तो टू मोमेंट्स कौन से हुए प्लैनेट के, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो यहाँ पर आप रेवोल्यूशन एंड रोटेशन फिल करेंगे। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स। ओके, डैश इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज लाइफ ऑन इट। तो आप सभी को पता है कि सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम में एक ही प्लैनेट है 8 प्लैनेट्स पर जिनमें कि लाइफ पॉसिबल है, और जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, दैट इज अर्थ। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज लाइफ ऑन इट। ओके, नाउ एक्सरसाइज बी, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम ए को आपको कॉलम बी के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए, रेवोल्यूशन यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, रेवोल्यूशन। और इसमें देखिए कॉलम बी, आपको पता है कि अर्थ को रिवॉल्व करने में, यानी कि सन के चारों तरफ घूमने में कितने डेज लगते हैं, 365 डेज। यस, तो आप रेवोल्यूशन को मैच करेंगे किसके साथ में, 365। यस, नेक्स्ट रोटेशन। तो आपको पता है कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, तो अपनी ही एक्सिस पर घूमने में उसको कितना टाइम लगता है, यस 24 आवर्स। ओके, नाउ हमारा वीनस जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है, वीनस। तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो वीनस को आप क्या करेंगे, हॉटेस्ट प्लैनेट के साथ में मैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर क्या है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम।
तो जुपिटर को आप मैच करेंगे लार्जेस्ट प्लैनेट के साथ, ओके। और हमारी जो गैलेक्सी है जिस पर हम लोग हमारा जो गैलेक्सी यानी कि जो सोलर सिस्टम है उसका जो एक पार्ट है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, है ना। और उसको और क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्की वे, ओके। तो इस तरीके से आप कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में मैच करेंगे, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो आप उसके आगे लिखेंगे ट्रू, और अगर फॉल्स है तो आप लिखेंगे फॉल्स। नंबर वन देखिए, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो आपको पता है कि टोटल प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम में कितने हैं, 8। हाँ, पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन जो 9th प्लैनेट था यानी कि प्लूटो, अब वो प्लैनेट्स की लिस्ट में काउंट नहीं होता। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, यस 8। तो दिस इज ट्रू, सॉरी फॉल्स। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, अर्थ इज एग्जैक्टली राउंड इन शेप। तो अर्थ का जो शेप है वो राउंड है, इज इट ट्रू, नहीं। हमने पढ़ा था कि हमारे अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा सा स्पेरिकल शेप में है, तो दिस इज रॉन्ग। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ ऑन इट, यस दिस इज ट्रू। अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, यस। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इन द सोलर सिस्टम, यस सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 5, 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड। तो 2/3 जो अर्थ सरफेस है वो लैंड से कवर्ड है, नहीं, वाटर से कवर्ड है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो इस तरीके से आप ये 3 एक्सरसाइजेस जो हैं आपको क्या करना है, इनको नोटबुक में करना है, और वो भी प्रॉपर हैंडराइटिंग में, गुड हैंडराइटिंग में करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर इज 1, उसके बाद लिखेंगे चैप्टर का नेम, और उसके बाद ये लाइन से आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी नोटबुक में करेंगे, ओके। सो दिस इज टुडेज होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज डी एंड ई, यानी कि क्वेश्चन इन ब्रीफ एंड क्वेश्चन इन डिटेल, ओके। बाय बाय।